हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। ये एक डीप एक्सप्लेनेशन है, तो मूवी को एंड तक एंजॉय करना। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें छोटे रॉकेट रिकून को दिखाया जाता है, जिसको हाई एवोल्यूशनरी ने पकड़ लिया है। वो रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है ताकि वो उसके जेनेटिक को सुधार के उसे चेंज कर सके। हाई एवोल्यूशनरी एक साइबॉर्ग होता है और वो एक जेनेटिशियन था जो मामूली जीवों पर एक्सपेरिमेंट करके एक आदर्श समाज बनाना चाहता था, जिसके लिए वो काउंटर अर्थ का निर्माण कर रहा था। रॉकेट का नाम सब्जेक्ट 89P13 होता है। रॉकेट के जेनेटिक चेंज करने के बाद उसे पिंजरे में डाल दिया जाता है, जहां और भी एक्सपेरिमेंट किए गए एनिमल्स थे, जिसमें लायला, टीफ और फ्लो थे। रॉकेट उन्हें बताता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लायला उसके घाव को साफ करती है और वो सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो सब बहुत खुश थे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉकेट सभी गार्डियंस के साथ नोवेयर पर होता है, जिसे अब उन्होंने अच्छी तरह से बना लिया था। पीटर गम्योरा की वजह से अब बहुत शराब पीने लगा था और वो अब बेहोश हो गया। नेबुला उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। वही हमें एडम वॉलॉक को दिखाया जाता है, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो आयशा का बेटा होता है और वो नोवेयर पहुंचकर रॉकेट पर हमला कर देता है। नेबुला ये देखकर अपना स्पेशल सूट पहनकर वहां आ जाती है, जिससे वो उड़ रही थी। वो अपने वेपन से उस पर हमला करके दूर गिरा देती है, पर एडम वापस से नेबुला पर हमला करता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है। फिर ग्रूट उसको अपनी जड़ों में जकड़ लेता है, पर वो उसे उड़ाता है और ग्रूट को बहुत डैमेज कर देता है, जिसे ग्रूट का सिर्फ सर ही बचता है। ट्रेगलिन भी ये सब देख रहा था। वो यहाँ एरो से उस पर हमला करता है, पर अभी भी वो उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे एडम को लगता है कि उस पर किसी ने पत्थर से हमला किया है। वो चिल्लाकर वहां से चला जाता है और रॉकेट पर हमला करके उसे घायल कर देता है। ये देखकर मेंटिस और पीटर मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। ड्रैक्स भी वहां पर आ जाता है। वो बुरी तरीके से एडम को मारने लगता है, मगर उसे कुछ नहीं होता और वो ड्रैक्स पर हमला करके उसे जोर से पंच मारने लगता है। नेबुला वापस ठीक हो जाती है और वो अपना वेपन उसके आर पार करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। इससे वो वहीं गिर जाता है। वहीं रॉकेट पर हुए हमले से उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। पीटर और मेंटिस उसका इलाज करने लगते हैं, मगर इससे रॉकेट की बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। शोर सुनकर नेबुला वहां आ जाती है। वो रॉकेट को लेकर शिप में आ जाते हैं, जहां वो उसे स्कैन करते हैं। नेबुला बताती है कि रॉकेट की बॉडी में एक ऑटोमेटिक किल स्विच है, जो रॉकेट की बॉडी में छेड़छाड़ करने या फिर मेडिकल किट यूज करने से इसे मार डालेगा। और वो बताती है कि रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया है और वो इसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है, इसलिए उसने एडम को यहां इसे लेने भेजा था। वही हम एडम वॉलॉक को देखते हैं, जो बचकर किसी तरह से निकल गया था। नेबुला गार्डियंस को बताती है कि अगर हमें रॉकेट के किल स्विच को ऑफ करना है, तो उसके लिए हमें एक पासवर्ड की जरूरत होगी, जिसकी मदद से हम इसे हैक कर सकते हैं और फिर किल स्विच को ऑफ कर देंगे। रॉकेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, उसे ओगोकॉप नाम की कंपनी ने बनाया है, इसीलिए हमें वहीं पर पासवर्ड मिल सकता है और रॉकेट के पास 48 घंटे हैं। पीटर कहता है कि हमें वहां से डेटा चोरी करना होगा। अब गार्डियंस शिप लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं हमें काउंटर अर्थ में हाई एवोल्यूशनरी की लैब को दिखाया जाता है। एवोल्यूशनरी वहां जाता है और कहता है कि क्या ये मेरा सब्जेक्ट ले आया, पर वॉलॉक रॉकेट को नहीं लेकर आया था। आयशा उसे बताती है कि मैंने आपसे कहा था कि गार्डियंस बहुत खतरनाक है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रजाति को बनाया है, मैं आसानी से तुम्हें मिटा भी सकता हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी हालत में सब्जेक्ट 89P13 चाहिए। वो एडम को मारने लगता है। आयशा उसकी बातें मान लेती है। हाई एवोल्यूशनरी अपने साथियों को बताता है कि ये लोग तो सिर्फ बैकअप है, मैं जानता हूँ कि गार्डियंस अब क्या करने वाले हैं। फिर हमें गार्डियंस को दिखाया जाता है, जो एक लिविंग प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें ओगोकॉप का हेडक्वार्टर बना हुआ था और उसके चारों ओर 3 प्लाज्मा की लेयर थी, जिसे वो तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनकी शिप पर कुछ होने लगता है, क्योंकि रेवेजर्स ने उन्हें घेर लिया था। वो सभी गार्डियंस की शिप पर आ जाते हैं। पीटर उन सभी से कहता कि मैं भी रेवेजर्स हूँ। तभी नेबुला वहां आकर रेवेजर्स को बताती है कि हमारी गम्योरा के साथ अपॉइंटमेंट है। तभी वहां गम्योरा भी आ जाती है। इसे देखकर पीटर हैरान होता है, क्योंकि नेबुला ने उसे नहीं बताया था कि गम्योरा रेवेजर्स का हिस्सा है। नेबुला ने गम्योरा को इसीलिए वहां बुलाया था ताकि डेटा चोरी करने में उसकी मदद कर सके। रेवेजर्स गार्डियंस को ओगोकॉप की यूनिफॉर्म देते हैं और सभी को बताते हैं वहां चारों तरफ सिपाही फैले हुए होंगे, तुम सभी को चोरी छिपे अंदर जाना होगा और इस यूनिफॉर्म की मदद से अंदर तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और वहां तुम सभी रॉकेट के पासवर्ड को ढूंढ लेना। फिर हमें रॉकेट के पास्ट को दिखाया जाता है, जब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को अपने पास लेकर बैठा था। रॉकेट बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आसानी से सॉल्व कर पा रहा था, जिससे एवोल्यूशनरी खुश होता है। वो रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाता है कि यहाँ मैं तुम जैसे बनाकर उन्हें एक नई दुनिया दूंगा, जो बहुत शांतिप्रिय होगी, जिसके लिए मैंने आधी दूरी तय कर ली है, पर अभी भी कुछ कमी है। वो उसे एक सेल के पास ले जाकर बताता है कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, जिससे मैं किसी भी साधारण जीव के अंदर लाखों सालों का बदलाव ला सकता हूँ। और वो एक कछुए को सेल में डालकर प्रोसेस शुरू करता है, जिससे वो कछुआ लाखों सालों के ज्ञान के साथ विकसित होकर इंसान की तरह बन जाता है। पर वो बहुत गुस्से में होता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि ये सब्जेक्ट अपनी बॉडी में एक ऐसी प्रोटीन बना रहे हैं,
जिससे ये हिंसक बन रहे हैं, पर इसे तो तुम्हारे जैसा शांति प्रिय बनना था, और वो अपने उस सब्जेक्ट को खत्म करवा देता है। रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी को बताता है कि ये सब एक फिल्टर्स की वजह से है। इनके दिमाग में एक कमजोर एसिड बनता है जिससे वो प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। हाई एवोल्यूशनरी बहुत हैरान होता है और अब रॉकेट की बताई हुई गलती को सही कर लेता है, और जब वो नॉर्मल जानवरों को बदलता है तो वो शांतिप्रिय थे। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है कि तुम मेरी कामयाब क्रिएशन हो, और जिस गलती का पता मैं नहीं लगा सका उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? रॉकेट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग की मदद से बाकी के जीवों को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसीलिए हमें तुम्हारे दिमाग को निकालना होगा। और वो अपने साइंटिस्ट से कहता है कि कल सुबह तुम्हें रॉकेट की सर्जरी करके दिमाग निकालने का काम करना होगा। रॉकेट डरा हुआ कहता है, आप तो हमारे लिए शांतिप्रिय दुनिया बनाना चाहते थे। हाई एवोल्यूशनरी बताता है कि बैच 89 कभी नई दुनिया के लिए नहीं बना था, और सुबह तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दिया जाएगा। रॉकेट को वापस से पिंजरे में डाल दिया जाता है। तो रॉकेट अपने सभी दोस्तों को बताता है कि हाई एवोल्यूशनरी को जैसा हम समझते थे वो वैसा नहीं है, वो हमें नई दुनिया में नहीं भेजेगा, वो हमें मारना चाहता है। और रॉकेट वहाँ पड़े छोटे छोटे टुकड़ों से एक चाबी बना लेता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। सभी उसकी बात मान लेते हैं। रॉकेट चाबी से लॉक खोलकर अपने दोस्तों को भी आजाद कर लेता है। लायला खुश होकर उसे हग कर लेती है, मगर तभी हाई एवोल्यूशनरी उसे गोली से मार डालता है। हाई एवोल्यूशनरी को पहले ही पता था कि रॉकेट भागने की कोशिश करेगा। रॉकेट अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगता है। हाई एवोल्यूशनरी उसे पिंजरे में जाने को कहता है, मगर रॉकेट गुस्से में उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पंजों से मार मार कर उसके पूरे फेस को बिगाड़ देता है। तभी वहाँ गार्ड्स आने लगते हैं। वो रॉकेट पर फायर करते हैं, मगर रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी की गन से सभी को मार डालता है। रॉकेट जब पीछे देखता है तो उसके दोस्त गार्ड की गोलियों से मारे गए थे। रॉकेट वहाँ से भागने लगता है, फिर रॉकेट शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां गार्डियंस गार्ड से बचते हुए कॉप में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गार्ड की यूनिफॉर्म की वजह से कोई पहचान नहीं पाता। वो एक मैनेजर के पास पहुंचते हैं। गमियोरा उसको गन पॉइंट पर लेकर उससे सब्जेक्ट 89P13 की फाइल मांगती है, तो वो उन्हें अपने डेटाबेस में लेकर जाती है जहां फाइल रखी हुई थी। वो 89P13 की फाइल निकाल कर दे देती है, मगर अलर्ट अलार्म बजने लगता है क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी को पता था कि गार्डियंस यहां आने वाले हैं। वो वहां का सीईओ था, इसीलिए उसने सभी को पकड़ने भेज दिया। गार्डियंस के पास कोई तरीका नहीं था, इसीलिए वो गार्ड को मारने लग जाते हैं। ग्रूट शिप लेकर वहां पर आ जाता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। गार्डियंस जब उस फाइल को चेक करते हैं तो उसमें वो वीडियो होता है जब रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इससे उन्हें बहुत दुख होता है कि रॉकेट ने आज तक इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। नेबुला उस फाइल में पासवर्ड को ढूंढती है, पर उसमें पासवर्ड नहीं होता। उसे पता चलता है कि आज एक फाइल को डाउनलोड करके डिलीट किया गया है, और ये सब हाई एवोल्यूशनरी के आदमी ने किया, और शायद उसने अपने सर पर लगे कंप्यूटर में पासवर्ड डाउनलोड किया हो। पीटर कहता है कि हमें इस चमचे को ढूंढना होगा, और अब वो हाई एवोल्यूशनरी की लोकेशन काउंटर अर्थ पर जाने के लिए निकलने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर गमियोरा उस पर हमला कर देती है, मगर उसे रोककर नेबुला कहती है, ये रॉकेट हमारा दोस्त है, हम उसकी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते। गमियोरा कहती है कि तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, और अब वो सैटेलाइट की मदद से रेवेजर से कॉन्टेक्ट करने लग जाती है। वही हम आयशा को देखते हैं जिसने एक रेवेजर्स और उसके पालतू जानवर को पकड़ लिया था। वो उससे गार्डियन का पता पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताता। आयशा एडम को अपना जलवा दिखाने को कहती है, मगर एडम दिमाग से थोड़ा पैदल था, इसीलिए हो उसे मार डालता है। आयशा उस पर गुस्सा करती है। उसके पास रखा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस गमियोरा का सिग्नल पकड़ लेता है। गमियोरा को लगता है कि वो रेवेजर से बात कर रही है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे लेने आना होगा, और वो उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। वहीं गार्डियन काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल अर्थ की कॉपी थी। वहां ह्यूमनिमस रहा करते थे, जो ह्यूमनॉइड और एनिमल के हाइब्रिड थे, जिनको हाई एवोल्यूशनरी ने सामान्य जीवों को चेंज करके बनाया था। एक लड़की ड्रैक्स की तरह बॉल फेंकती है, लेकिन ड्रैक्स जोर से बॉल हिट करता हुआ उस लड़की को दूर गिरा देता है, जिससे सभी ह्यूमनिमस उन्हें मारने लग जाते हैं। ग्रूट बड़ा रूप बनाकर सभी को डरा देता है। पीटर एक लेडी की मदद करके उन्हें विश्वास दिलाता है, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, तो वो लेडी भी उनकी मदद करती है, उन्हें अपने घर ले जाती है। पीटर उसे बताता है कि हमें अपने दोस्त की जान बचानी है, जिसके लिए हम थिल को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें थिल का ठिकाना बताती है, जो एक बड़ा सा पिरामिड था। पीटर ग्रूट और नेबुला के साथ वहां जाने के लिए कार से निकल जाता है, पर वो ड्रैक्स और मेंटिस को वहीं रुकने को कहता है, ताकि वो शिप और रॉकेट पर नजर रख सके। पीटर शहर में देखता है कि वहां भी बुराई मौजूद है। वहीं हम हाई एवोल्यूशनरी को देखते हैं, जो नए सब्जेक्ट पर काम कर रहा होता है। पीटर भी वहां पहुंच जाता है, पर गार्ड नेबुला के हाथ में हथियार होने की वजह से उसे अंदर जाने नहीं देते। पीटर ग्रूट के साथ अंदर हाई एवोल्यूशनरी के पास जाता है। हाई एवोल्यूशनरी उन्हें बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने सालों पहले मुझे धोखा दिया, मैं बस एक आदर्श समाज बनाना चाहता हूँ। पीटर कहता है कि मैंने तुम्हारा आदर्श समाज देखा है, इसमें भी बहुत बुराई है। एवोल्यूशनरी ये कहता है कि तुमने सही पॉइंट पकड़ा, और अब मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा।
और वापस से एक नई दुनिया बनाऊंगा। हाय एवोल्यूशनरी ने चालाकी से अपने पिग को रॉकेट को लेने भेज दिया था, मगर गम्योरा उसे रोकने लगती है, पर वो गम्योरा को घायल कर देता है और वो बता देता है कि रॉकेट मेरे कब्जे में है। तो हाय एवोल्यूशनरी अपने हेडक्वार्टर को वहाँ से उड़ाने लग जाता है, क्योंकि ये एक शिप थी। ये देखकर नेबुला हैरान हो जाती है। वहीं हम एडम को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ काउंटर अर्थ पर आ रहा था, और वो पिग पर हमला कर देता है ताकि वो रॉकेट को हासिल कर सके। वो उसे मार डालता है और गम्योरा रॉकेट को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी प्लैनेट तबाह होने लग जाता है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने इसको खत्म करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। गम्योरा जल्दी से शिप पर आ जाती है। एडम अपनी माँ आयशा को बचाने के लिए तेजी से उड़ता हुआ अपने शिप की तरफ जाता है, पर आयशा धमाके में खत्म हो जाती है। एडम इससे दुखी हुआ वापस गार्डियंस के शिप पर आता है, पर वो बेहोश हो जाता है। नेबुला ड्रैक्स को शिप लेकर वहाँ आने को कहती है, मगर वो तो पीटर के मना करने के बावजूद भी एक बाइक लेकर वहाँ आ गए थे, इसीलिए वो गम्योरा से प्लेन टेक ऑफ करने को कहती है और वो तीनों खुद एवोल्यूशनरी की शिप पर चले जाते हैं। फिर शिप में अब ग्रूट भी अपने अंदर छिपाया हुआ हथियार बाहर निकाल लेता है और पीटर के साथ मिलकर हाई एवोल्यूशनरी के लोगों को मारने लग जाते हैं। पीटर थिल को लेकर वहाँ से नीचे कूद जाता है और ग्रूट भी नीचे कूद जाता है और अपने विंग्स बनाकर पीटर को बचा लेता है। पीटर थिल को जमीन से टकरा कर मार डालता है और उसके दिमाग की चिप निकाल लेता है, जिसमें रॉकेट का पासवर्ड था। गम्योरा भी शिप लेकर उधर आती है। फिर वो तबाह होते हुए काउंटर अर्थ से बाहर निकल जाते हैं। अब वो रॉकेट के साथ उस चिप को जोड़ देते हैं, पर रॉकेट एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहां उसके पास लायला आती है। रॉकेट रोते हुए बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मेरी गलती की वजह से तुम सब मारे गए। लायला कहती है कि हम सभी यहां बहुत खुश हैं। रॉकेट भी उनके साथ रहने का मन बना लेता है, जिससे असली दुनिया में वो मर रहा था, पर पीटर को विश्वास नहीं होता। वो रॉकेट को उठाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं लायला कहती है कि तुम अभी हमारे पास नहीं आ सकते हो, तुम्हारा मकसद अभी अधूरा है। रॉकेट कहता है कि कैसा मकसद, हमें बेमकसद बनाया गया था। लायला उसे समझाती है कि तुम्हें उस पागल साइंटिस्ट हाई एवोल्यूशनरी को रोकना होगा। फिर रॉकेट वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। उस पासवर्ड के काम करने की वजह से रॉकेट सही हो जाता है। पीटर बहुत खुश होता है। ग्रूट उन दोनों को गले लगा लेता है। दूसरी ओर ड्रैक्स, नेबुला और मेंटिस बचने के लिए हाई एवोल्यूशनरी की शिप पर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनको हाई एवोल्यूशनरी ने कैद करके रखा था। वो उन्हें आजाद करवाने लगते हैं और पीटर उनसे कॉन्टेक्ट करता है। नेबुला कहती है कि हम एवोल्यूशनरी की शिप पर है, हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं। पीटर उन्हें बताता है कि मैं तो शिप से निकल चुका हूं और हमने रॉकेट को बचा लिया। वो इससे खुश होते हैं। तभी उनके पास हाई एवोल्यूशनरी भी आ जाता है, जो उन्हें नेबुला और उसके साथियों पर हमला करके बेहोश कर देता है और पीटर से कहता कि मैं तुम्हारे दोस्तों को भी मार दूंगा, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो P13 को मेरे पास ले आओ। पीटर को इससे गुस्सा आता है और वो फोन करके क्रेगलिन को मदद के लिए बुला लेता है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि हमें रॉकेट को किसी भी हाल में हासिल करना होगा, वो खुद को बेहतर बना सकता है, मैं उसकी यह एबिलिटी अपनी नई प्रजाति में डालना चाहता हूँ। वही हम गार्डियंस को देखते हैं, जो अपनी शिप लेकर एवोल्यूशनरी के शिप तक पहुँच जाते हैं। एवोल्यूशनरी को लगता है कि वो अकेले यहाँ आया है, पर तभी वहाँ क्रेगलिन नोवेयर को लेकर आ जाता है और गन से एवोल्यूशनरी के शिप में होल कर देता है, जिससे पीटर की टीम शिप के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर एवोल्यूशनरी भी उन पर हमला करने के लिए अपने हाइब्रिड जीव भेज देता है, जो उन पर हमला करने लगते हैं। एडम भी होश में आने के बाद बाहर आ जाता है और वो पीटर की शिप पर हमला करके अंदर घुस जाता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरने लगते हैं, मगर पीटर गम्योरा को लेकर दूर गिर जाता है। एडम उसी शिप पर ही होता है। वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। हाई एवोल्यूशनरी मेंटिस, ड्रैक्स और नेबुला को एक पिंजरे में डलवा देता है, जहां कुछ क्रिएचर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। डरकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। क्रिएचर्स ने तीनों तरफ से उन्हें घेर लिया था। मेंटिस को याद आता है, ये सिर्फ बैटरी खाते हैं और वो इंसानों को नहीं खाते हैं, बस ये डरे हुए हैं। मेंटिस उन्हें भी विश्वास दिलाती है कि हम दोस्त हैं, जिससे वो शांत हो जाते हैं। एवोल्यूशनरी के हाइब्रिड रोबोट नोवेयर में घुसने लगते हैं और वहाँ की बिल्डिंग को तोड़कर आम लोगों पर हमला कर रहे थे। ये देखकर क्रेगलिन एरो को बाहर निकाल लेता है और उसे योंडू दिखाई देता है, जो बताता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। फिर क्रेगलिन यहाँ एरो को कंट्रोल करने लगता है और उन सभी हाइब्रिड क्रीचर्स को मारने लगता है, मगर एक क्रीचर्स आगे बढ़ता है और एरो दीवार में फंस गया था। मगर तभी वहाँ कॉस्मो डॉग आती है, जो अपनी पावर से उसको मार डालती है। क्रेगलिन उसको गुड डॉग कहता है, जिससे कॉस्मो खुश होती है। हाई एवोल्यूशनरी अपने सभी सोल्जर से कहता है कि घुसपैठिए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी करके रॉकेट को हासिल करना होगा। पीटर रॉकेट और गम्योरा के साथ और बाकी साथियों को बचाने अंदर जाने लगते हैं, मगर तभी वो तीनों दीवार तोड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं। पीटर कहता है कि हमें जल्दी से निकलना होगा। मेंटिस और ड्रैक्स बताते हैं कि हजारों बच्चे वहां कैद है, हमें उनकी जान बचानी होगी, और वो सभी को बचाने के लिए अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गम्योरा भी ना चाहते हुए उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अंदर से एवोल्यूशनरी की फौज उन्हें मारने आ रही थी। गार्डियंस उनसे फाइट करते हैं, उन्हें मारने लग जाते हैं,
वो एक अच्छी टीम की तरह साथ मिलकर सभी को खत्म करते जा रहे थे, जिसमें गम्योरा भी उनकी मदद कर रही थी। अब वो सभी को खत्म करने के बाद बच्चों को बाहर निकालने लग जाते हैं, जिसके लिए वो नोविया शिप को एवोल्यूशनरी के शिप के साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो बच्चों को वहां पर ले जा सके। कॉस्मो दोनों शिप के बीच के गैप को कवर कर देती है, सभी बच्चे शिप पर आने लग जाते हैं। एडम अभी भी जिंदा होता है, वो हमला करने वाला था पर वो बेहोश हो जाता है। ग्रूट उसे भी शिप पर ले आता है। एडम पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ड्रैक्स उसे बताता है कि सभी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। वहीं रॉकेट सभी बच्चों को एवोल्यूशनरी के शिप से बाहर निकाल लेता है। उस शिप पर अभी भी बहुत से जानवर होते हैं जिन्हें एवोल्यूशनरी ने कैद कर रखा था। रॉकेट सभी रैकून को बाहर निकाल लेता है, तभी वहां हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और वो गुस्से में रॉकेट पर हमला करके उसे मारने लगता है, पर रॉकेट अपने बनाए हुए ग्रेविटी शूज ऑन कर लेता है, जिससे एवोल्यूशनरी उस पर हमला नहीं कर पाता और रॉकेट उसे अपनी गन से हमला करके दूर गिरा देता है। और सभी गार्डियन भी हाई एवोल्यूशनरी की धुलाई करने लगते हैं। गम्योरा उसके सीने में खंजर डाल देती है और उसके चेहरे से मास्क को हटाती है। उसका पूरा चेहरा छिला हुआ था। वो रॉकेट से कहता है कि तुमने मेरा ऐसा हाल बना दिया जब तुमने उस रात मुझ पर हमला किया, पर मैं तो हर चीज को बेहतर बनाना चाहता था। रॉकेट कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बनाना था, तुमने बस हर एक चीज को नफरत की नजर से देखा। रॉकेट उसे खत्म करने लगता है पर वो ऐसा नहीं करता। अब वो शिप ब्लास्ट होने लगता है, इसीलिए वो वहां से निकलने लगते हैं, पर रॉकेट कहता है कि हमें जानवरों को बचाना होगा और वो सभी जानवरों को लेकर नोविया पर जाने लगते हैं। कॉस्मो भी अपनी पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे पीटर शिप पर ही रह जाता है। वो शिप पर आने की कोशिश कर रहा है पर वो स्पेस में ही रह जाता है, जिससे वो जमने लगता है, जिससे सभी दुखी होते हैं। ग्रूट अपनी टहनियों से उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो भी फ्रिज हो रही थी। इससे मानो ऐसा लग रहा था जैसे पीटर मर गया हो, मगर तभी पीटर को एडम बचाकर वापस शिप पर ले आता है। एडम अब सुधर चुका था। शिप पर आने की वजह से पीटर की जान बच जाती है। सभी पीटर को हक करते हैं, ये देखकर एडम भी उन्हें हक कर लेता है, पर गम्योरा हक नहीं करती है क्योंकि वो खुद को उनकी फैमिली नहीं मानती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां गम्योरा को रेवेजर्स लेने आ गए थे। गम्योरा पीटर से कहती है कि मैं अभी भी वो गम्योरा नहीं हूं जिसे तुम चाहते थे। पीटर कहता है कि मैं जानता हूं, पर तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, और वो रेवेंजर्स के साथ चली जाती है। पूरी गार्डियन टीम एक साथ मीटिंग करती है जिसमें पीटर सभी को बताता है कि मैं वापस अर्थ पर अपने नाना के पास जाना चाहता हूं। जब मैं 8 साल का था तब से मैं भाग रहा हूं। मैं थोड़े दिन अकेले रहना चाहता हूं ताकि मैं खुद को समझ सकूं। मेंटिस कहती है कि मैं भी खुद को समझना चाहती हूं क्योंकि जिंदगी भर मैंने दूसरों के ऑर्डर माने हैं। नेबुला ड्रैक्स से कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें एक नया समाज बनाना होगा ताकि वहां ये सभी बच्चे खुश रह सके, और मैं ऐसा घर बनाऊंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। रॉकेट कहता है कि क्या अब हमारी टीम खत्म हो गई। पीटर कहता है कि इस गैलेक्सी को गार्डियंस की जरूरत है और अब तुम ही कैप्टन हो। सभी रॉकेट को कैप्टन मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब पीटर जा चुका था, पर वो रॉकेट के लिए अपना म्यूजिक प्लेयर छोड़ गया था और रॉकेट गाने को प्ले करता है और सभी खुशी से डांस करने लगते हैं। मेंटिस ड्रैक्स को अलविदा कहती है और वहां से निकल जाती है। वहीं पीटर भी अपने नाना के घर पहुंच जाता है जहां उसके नाना उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।